अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। सीएए के खिलाफ बहुजन क्रांति मोर्चा की रैली, तमाम संगठनों और राजनीतिक दलों के लोग हुए शामिल। भाजपा विरोधी दलों द्वारा घोषित भारत बंद के समर्थन में बुधवार को नवी मुंबई में रैली निकाली गई। बहुजन क्रांति मोर्चा के नेतृत्व में निकाली गई इस रैली में मोदी सरकार के नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ तुर्बे नाका से लेकर वासी के शिवाजी चौक तक विरोध प्रदर्शन हुआ। इस रैली में कांग्रेस, एनसीपी समेत तमाम मुस्लिम संगठनों के लोग शामिल हुए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। एनसीपी महासचिव अफसर इमाम, कांग्रेस नेता निजाम अली शेख और समाज सेवी बाबा आलम ने सीएए, एनआरसी और एनपीआर को संविधान विरोधी बताते हुए मोदी सरकार से इस कानून को वापस लेने की मांग की। सीएए एनआरसी क्या हो रहा है ना कि एक तरह से बीजेपी गवर्नमेंट का जो है ना एक चाल है, उनका चाल ऐसा है कि किसी तरह से हम अपना देश में जो शांति है उसको भंग करें, उसके लिए इस तरह का काम कर रहे हैं। अगर उनके ये एनआरसी से ये मुद्दा अगर निकाल जाए, उन्होंने क्या किया कि सारे मतलब कि कम्युनिटी का नाम लिया, एक मुसलमान को नाम को छोड़ करके, अगर सच में अगर उनके साथ में ऐसा बात होती कि वो चाहते सबका साथ सबका विकास, तो क्या करते, मुसलमानों को नाम वो कभी हटाते ही नहीं हो। अगर नहीं हटाते तो ये इस तरह का धरना प्रदर्शन यहाँ पर होता ही नहीं। लोग जो है पीसफुली घर से बाहर पहले से रहते, आज भी रहते आ रहे थे, लेकिन अभी हो ये रहा है ना कि मुझे लगता है कि अमित शाह जो है ना वो जानबूझ करके मोदी जी की छवि को ख़राब करने के हिसाब से ही आप देखिए इस तरह का काम को कर रहे हैं, सीए एनआरसी के बारे में कर रहे हैं। जबकि आपने एक पोस्ट देखा होगा कि मोदी जी ने स्पष्ट रूप से बताया था कि मैं सिर्फ आसाम के मामले में मतलब कि सीए एनआरसी को लाया था, पूरे इंडिया के मामले में नहीं लाया था। जबकि इसके जवाब में अमित शाह जी ने बताया कि नहीं, पूरे इंडिया में, मतलब प्रधानमंत्री में और गृह मंत्री में, दोनों में भी आज के दिन में असमंजस नहीं है, दोनों में मतलब कि एकता, ये समझ सिमिलरिटी नहीं है जिसके लिए इस तरह का काम हो रहा है। देखिए हम तो आपको गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई देखो, मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, जैन हो, सब इस देश के रहने वाले हैं। आप जो है कोई भी इंसाफ कीजिए, सबके फायदा के लिए कीजिए, एक बराबर का कीजिए। बाबा साहब ने जो संविधान बनाया था उस संविधान के अंदर में एकता था, उसके अंदर में भाईचारगी था। आप उससे हट के जो काम कर रहे हैं वो गलत है और उसी का विरोध करने के लिए आज हम लोग यहाँ पर मौजूद हुए। मुझे ऐसा लगता है कि मोदी सरकार अपनी नाकामियां छुपाने के लिए एनआरसी इस तरीके का बिल ले आई है। इनको पहले दुनिया के जो मजलूम लोग हैं, दुनिया में जो बेरोजगारी है, दुनिया में जो नोटबंदी के बाद में जो हालात हुए हैं, और तुम्हारा इतनी सारी बेरोजगारी हो गई है कि पूछने की बात नहीं है। ये सब अपनी कमियां छुपाने के लिए ये मोदी सरकार सीएए, एनआरसी इस तरीके का बिल लाके लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ये कोशिश कर रही है। और मैं समझता हूँ कि इस तरह आम लोग, सारे दुनिया के लोग इस पर चुप नहीं बैठेंगे। और आज कहीं ना आज पूरे हिंदुस्तान में मोदी के खिलाफ आवाज़ उठ रही है, और इंशाल्लाह इसके आगे भी उठते रहेंगे। जब तक ये एनआरसी सीए ये बिल रिटर्न नहीं होएगा, तब तक ये आवाज़ चलती रहेंगी। ये ईवीएम की चुनी हुई सरकार जनता को किया है बेकार। तो जब ईवीएम से ये चुनी गई ये सरकार, आम लोगों का, गोर गरीब का कोई इसको कुछ फिक्र नहीं है। बेकारी बढ़ी, रोजगार गया, सारी चीज़ ख़त्म हो रही, इससे ध्यान भटकाने के लिए अब एक नई चीज़ जो हमारे बाबा साहब अंबेडकर के संविधान के अनुकूल, ये भारत के संविधान को बदलने के लिए ये इस तरह का काम कर रहे हैं जो कभी ऐसा हुआ नहीं।
कि अब हम तमाम नागरिक, अब दादा परदादा का, जबकि हमारे हज़ारों साल से हम लोग यहाँ बसे पड़े हुए हैं, जो हम मूल निवासी हैं यहाँ के, ये तो वो समझें कि यहाँ के हैं कि नहीं, लेकिन आम लोग जो है 85% लोग, जैसा कि नारा लगाया जा रहा है, हकीकत है कि हम सारे लोग यहाँ के हैं। आज ऐसा हो रहा है कि हमसे ही हमारा सबूत मांगा जा रहा है, ये तो अजीब बात है। उसी के ख़िलाफ़ में हमारे सब सर्वधर्म ने ये नारा भी दिया है कि ये देश हमारा है और हम इसके वासी हैं, हम कहीं बाहर से नहीं आए हुए हैं कि जो आप ये करेंगे। उनका ये है कि भाई इसको इस तरह से मैं इनका एक एक करके इनको वोटिंग से वंचित कर दें, इनको यहाँ से वंचित कर दें और एक ख़ास पर्टिकुलर को यहाँ रखें ताकि हम हमेशा अपनी मनुवादी सरकार को चलाते रहें। ये आम लोगों को से ये हट के ये काम हो रहा है, इसलिए सारे लोग इस वक्त सब के सब हैं, इस वक्त मुस्लिम का समाज नहीं है बल्कि सारे लोग इसमें शरीक हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई दलित सब हैं, भाई भाई। वो जिस तरह से हमारे भारतीय संविधान में ये नारा लगाया गया था, आज वो उसी तरह से सारे लोग सड़कों पे उतरे हुए हैं कि हमारा संविधान मुझसे जा रहा है, हमारा हक मुझसे जा रहा है, हमको आज़ादी मिलनी चाहिए। बता दें कि बुधवार को पुकारे गए भारत बंद का असर हालांकि नई मुंबई में सामान्य रहा, लेकिन नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शन से माहौल गरमाए रहा। इसमें शामिल लोगों ने भी कानून का विरोध जताया और मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा किया। इस बिल का विरोध इसलिए किया जा रहा है क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर का जो संविधान है उसके आर्टिकल 14 के तहत हमारे देश में कभी नागरिकता किसी जाति और किसी धर्म के आधार पर नहीं मिली। लेकिन जो CAA आप लेकर आए हो, इसमें आपने पर्टिकुलर एक रिलीजियस को टैग करके उसको बाहर रखा और इसी का विरोध तमाम लोग, चाहे वो हिंदू हों, मुस्लिम हों, दलित हों, तमाम लोग इसका विरोध कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि ये जो बिल आपने पारित किया है ये सरासर गैर कानूनी है। इसको जल्द से जल्द सरकार इसको विड्रॉ करे, वज़ीर आज़म वज़ीर दाखिला से हमारा भी मुतालबा है कि इसको बहुत जल्द विड्रॉ करके देश में अमन को बरकरार रखें। ऐसी हरकत किया है जो उसको मालूम है बिहार यूपी के में क्या हाल है, आसाम में क्या हाल है कि जबकि लोग सैलाब आता है गर्दन में पानी लेकर के भागते हैं अपना सामान घर द्वार बर्तन बासन और उस पर सांप, तो वो कागज़ पत्र कहाँ से रखेंगे। और उस पर यह कानून लगाया है कि हम सिर्फ मुसलमानों को निकालेंगे और बकिया को, कहाँ का इंसाफ है, वो इंसाफ नहीं है, वो तानाशाह है। हमने हुकुम की वादा किया है हम सब हिंदुस्तानी मिलकर के, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो सिख हो ईसाई हो पारसी हो, सबको इसको जड़ से उखाड़ना है। उम्मीद है कि आप लोग भी साथ देंगे। हमारे देश में प्रधानमंत्री वजीर आजम ने बोला है सबका साथ सबका विकास, तो सबका साथ है लेकिन सबका साथ भी होना चाहिए, विकास तो हो रहा है लेकिन साथ भी होना चाहिए। मोदी जी जिनकी डिग्री सर्टिफिकेट तक वो अपने अप्रूव नहीं कर पाए, वो देश का से सर्टिफिकेट मांगे 1970 से पहले का और उनको भारतीयता प्रूव करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। मोदी जी खुद की तो डिग्री सर्टिफिकेट नहीं दे पाए, अपना बर्थ सर्टिफिकेट जरा दिखा दो तो हम पता कर लेंगे कि आप खुद एक भारतीय हैं या नहीं है। तो CA और NRC जैसे ड्रैकोनियन एज वेल एज एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल बिल और एक्ट्स ला के आपने भारत की 70 साल की आज़ादी के ऊपर सेंध लगा दी है। CA और NRC ये दोनों ही जो बिल्स हैं उनको पूरी तरीके से खारिज करना चाहिए, इसका हम निषेध करते हैं। उसके साथ ही आज इस देश की जो पढ़ी लिखी जनता है, जो स्टूडेंट्स हैं, जो आज पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपने अपने यूनिवर्सिटीज़ में, जामिया मिलिया इस्लामिया में क्या हुआ है ये आपने देखा है, आपने देखा है कि किस तरीके से उनको अपनी लाइब्रेरीज उनको अपने घरों से निकाल निकाल के पीटा गया है। दिल्ली पुलिस का इस बर्बरता के जो उन्होंने काम किया है उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। ये जो जिस तरीके से NRC और जिस तरीके से हर बिल लेकर आ रहे हैं हमारे मोदी साहब, इस तरीके से हमारे हिंदुस्तान की जनता काफ़ी परेशान हो रही है
और अब जब 1947 में जिस तरह से हम अंग्रेज़ों को भगाए थे, मार भगाए थे, उसी तरह से आज स्टूडेंट भी सड़कों पर आ गया है, सारी यूनिवर्सिटी सड़कों पर आ गई है, सारी पब्लिक सड़कों पर आ गई है। और हमारा हिंदुस्तान का मुसलमान हिंदू के दिल में रहता है और हिंदुस्तान का हिंदू मुसलमान के दिल में रहता है, ये दो दिलों को कोई तोड़ नहीं सकता है। इसलिए हमारी विनती है कि हम इसको निषेध करते हैं और पूरी तरीके से ये सरकारी जितने भी बिल लेकर आए हैं, CA, NRC जितने भी बिल लेकर आए, सब का सब हम निषेध करते हैं और हम चाहेंगे ये सारे के सारे बिल हटा दिया जाए। और दूसरी बात, उन्होंने जिस तरीके से NRC के बारे में और CA बिल के बारे में जिस तरीके से मुसलमान को आइसोलेट कर दिया है, ये हमारे संविधान के बिल्कुल खिलाफ है। मुसलमान को आइसोलेट करके ही संविधान के साथ खिलवाड़ किया गया है। मैं चाहूँगी कि इस तरह के हर चीज़ों का हम निषेध करते हैं, निषेध करते हैं, निषेध करते हैं। BJP गवर्नमेंट को मैं बोलती हूँ, ये तुम्हारा शानातानी नहीं चलेगी, हमारा हक दो। हम लोग ये मट्टी के हैं, हम इधर ही रहेंगे, हम कहीं नहीं जाएंगे। तुम्हारा ये ज़बरदस्ती कभी भी नहीं चलने वाली है। बच्चों लोग को कॉलेज के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर, वो लोग की लाइब्रेरी के अंदर घुस के तुम लोग मारते हैं। तुम लोग, तुम्हारा बच्चा नहीं है क्या? कल उठ के तुम्हारे बच्चों को होएगा नहीं ऐसा हालत? ये सब ख्याल रखो। सब ऊपर वाला देखता है, वो एक एक को चुन के लेगा, चुन के मारेगा। ये तुम जरा अपने दिल में रखो, अल्लाह को डरो, इंसाफ से रहो, भारत के जो संविधान है उसका अपनाओ। ब्यूरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया।